कि हम जानते हैं अगर किसी के पास वेव कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है वो वेव की तरह चलेगा वेव की तरह फंक्शनिंग करेगा तो इसका मतलब उसका एक वेव फंक्शन होगा जिसको तो हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं आप हेलो माय डियर आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे उस इस थ्योरी से पहले एक थ्योरी आई थी बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो नील्स बोहर ने दी थी और उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है उसमें मोशन करते हैं और उसमें वो मोशन करते हुए अपनी एनर्जी को लिबरेट नहीं करते और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का उन्होंने प्रिंसिपल को समझाया था लेकिन उसकी भी कुछ खामियाँ थी उन खामियों पर ध्यान तब गया जब डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर और हिजबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के सिद्धांतों की खोज हुई तो चलिए देखते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के फेलियर का कारण तो पहला है इट नॉट कंसिडर द वेव कैरेक्टर डुएल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन देअ फॉर द सर्कुलर पाथ इज रूल्ड आउट क्योंकि बोहर मॉडल ऑफ एटम में वेव कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया गया था अगर वो वेव्स की तरह इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो सीधी सी बात है वो सर्कुलर पाथ नहीं बनाएंगे और वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ को तो वो नहीं बना सकते ठीक हो गया दूसरा है इट कॉन्ट्रेडिक्टजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्रीज हम जानते हैं हाइजनबर्ग और हिंजबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजिशन और वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ डिटरमाइन नहीं की जा सकती इसीलिए यह सिद्धांत किसी डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्री के एग्जिस्टेंस का को तो मना करता है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स वेलोसिटी एट वेरियस पॉइंट्स क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री है वो विभिन्न पॉइंट्स पर उसकी लोकेशन और उसकी गति के अनुसार निर्धारित होती है चूंकि हम लोकेशन और गति का निर्धारण एक साथ सही ढंग से नहीं कर सकती कौन कहता है ये, ये इसीलिए यह असंभव है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट ऑर्बिट का पता लगाना अब इन दोनों बिंदुओं का जो वास्तविक रिजल्ट क्या निकल के आता है वो ये है कि नो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स इन एन एटम कि किसी भी परमाणु में कोई वेल well डिफाइंड या निश्चित ऑर्बिट नहीं होता अब इस कमी को दूर करने के लिए फिर वैज्ञानिकों ने वेव कैरेक्टर को भी शामिल किया मतलब ड्यूअल बिहेवियर पार्टिकल कैरेक्टर को तो निर्धारित शामिल पहले ही कर लिया गया था लेकिन उसके साथ अब वेव कैरेक्टर को भी शामिल किया गया और उसके आधार पे एक नया एटॉमिक मॉडल बना जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम तो चलिए अब हम अब इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था अब ये मैकेनिक्स क्या है कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर दैट इज पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर मतलब साइंस की वह शाखा जो ड्यूअल नेचर को या द्वैत कैरेक्टर को मतलब कौन सा कैरेक्टर हैं वो पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर को का अध्ययन करती है उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स तो मोशन का निर्धारण जो मोशन का निर्धारण है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ही मोशन का निर्धारण करता था मतलब बड़े पार्टिकल्स का और वो किस पे बेस्ड था वो न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड था और जो न्यूटन्स लॉ था वो पार्टिकल नेचर नेचर को ही बताता था और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो जो हिंजव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और अन्य प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल particle, छोटे पार्टिकल्स के मोशन का निर्धारण करता है और ये किस पे बेस्ड है ये वेव और पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है तो मोशन का निधार समझ में आ गया होगा आपको अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे तो पहला है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इंटू अकाउंट डुल बिहेवियर ऑफ मैटर मतलब क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच है जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को भी शामिल करती है ये हमें पहले भी पढ़ा था अब दूसरा बिंदु है इट डेवलप्ड इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स बाई डब्लू हाइजनबर्ग एंड इरविन स्क्रोडिंजर तो ये 1926 में डब्लू हाइजनबर्ग और इरविन स्क्रोडिजर ने विकसित की थी ध्यान रखना है और तीसरा है फॉर टू अकाउंट वेव कैरेक्टर देर इज अ वेव फंक्शन साई विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम इट रिलेट टू प्रोबेबिलिटी तो ध्यान रखना है कि हम जानते हैं अगर किसी के पास वेव कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है वो वेव की तरह चलेगा वेव की तरफ फंक्शनिंग करेगा तो इसका मतलब उसका एक वेव फंक्शन होगा जिसको तो हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं अब चूंकि वो थ्री मोशन करता है इसलिए जो है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स और टाइम का एक फंक्शन होगा अच्छा अब ये क्या बता इट रिलेट टू प्रोबेबिलिटी ये जो है प्रोबेबिलिटी से संबंधित है नेक्स्ट अब इसकी वैल्यू कैसे पता लगती है तो जो वेव फंक्शन है वो साई ये एक्स एक्स के अलोंग ए साइन टू पाई अपॉन लेमडा एक्स जो हम जानते हैं वेब फंक्शन का फॉर्मूला होता है तो यह सिर्फ एक्स एक्स क्या ऐसी y, x derivative होगा, ऐसी जेड डेरीवेटिव होगा और इन तीनों को मिला के बनेगा एक क्या वेब फंक्शन ओके तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है यह वेब फंक्शन जो हायर क्लास की स्टडी में जिसकी स्टडी हायर क्लास में की जाती है तो साई एक्स बराबर ए साइन टू पाई अपॉन लेमडा एक्स में जहां ए एम्पलीट्यूड हो गया लैमडा जो है वेव लेंथ है एक्स एक्स एक्साइज में कोई वैल्यू है और ये वाई एस आई एक्स जो हो गया एक्स एक्साइज के अलॉन्ग वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी ऐसे ही वाई एक्सएस के अकॉर्डिंग ऐसी जेड एक्स एस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग आएगी वैल्यू और इन सब का मिला जुला रूप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी ये क्या बताता है ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताता है ठीक तो नेक्स्ट पॉइंट तो पांचवा पॉइंट है फॉर अ सिस्टम चाहे वो एटम का सिस्टम है या मॉलिक्यूल का एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, द विद्रोडिंजर इक्वेशन इज रिटर्न एज तो डी स्क्वायर साई अपॉइंट डी एक्स डी स्क्वायर साई पॉइंट डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्व टू जीरो और इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा गया एच ऑपरेटर साई बराबर ई साई तो समझना है पहले कि शायद तो हमें पता है वेव फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंसिएशन है ये ये वाई के एक्स रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंसिएशन है वेव फंक्शन का ये जेड के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंसिएशन है वेव फंक्शन का और ये पूरा का पूरा जो है एनर्जी की इक्वेशन है और यहाँ जो एच ऑपरेटर है ये हेमिल्टोनियन ऑपरेटर बता कहलाता है ये हायर क्लास में आप स्टडी करेंगे इस बारे में और ई जो है टोटल एनर्जी है तो इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया है अब समझना है एक पॉइंट और है हमारे पास छठा जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस फंक्शन य, आ, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में तो जो सॉल्यूशंस आते हैं वो एनर्जी लेवल्स को बताते हैं और वही एनर्जी लेवल्स जो है हमें चार क्वांटम नंबर की जानकारी देते हैं और कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजी मुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर ठीक अभी ये मॉडल अभी खत्म नहीं हुआ है इसमें ये जब चार क्वांटम नंबर आपको हम जब बताएंगे तभी ये पूरा माना जाएगा और इन चारों क्वांटम नंबर को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आई होगी थैंक यू